ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः मते नमः ब्रह्म रामाय नमः आदिश्री नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय, मेरे महानुभाव, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। विगत आईसीएसई सीबीएसई ये जो एग्जामिनेशन किन किन का निकला है, इसके बाद से बहुत सारे माता पिता अपने कुंडली, बच्चों का कुंडली दिखाने, विश्लेषण करने के लिए आ रहे हैं। मेरे भाई, अगर ये पहले से कर लिए होते तो ये समस्या आज नहीं होता। कोई बात नहीं, इसका अर्थ नहीं है कि मैं ये कहूं कि आप कुंडली दिखा दो या मत दिखाओ, आपका मर्जी। मैं केवल यहां इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर आपके बच्चे फेल हो गए तो फेल हो गए यार। मैं जानता हूं आज का समाज, आपके आज का जो बंधु बांधव हैं, मित्र इत्यादि हैं, अनवांटेड कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके बच्चों का कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका मूछ, आपका अहंकार को हिट होना स्वाभाविक बात है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कितना भी आपको इसमें काउंसलिंग कर लूं या मोटिवेट कर लूं, हृदय में आपका दर्द पीड़ा तो जाएगा नहीं, क्योंकि बच्चा फेल हुआ है या कम नंबर रखा है या 60% रखा है, 70% रखा है, बड़े कॉलेज में नहीं मिलेगा, छोटे कॉलेज में नहीं मिलेगा, जो चाहता था वो कर नहीं पाएगा, अनाज का दुश्मन धरती का बोझ इत्यादि इत्यादि। स्पेशली आप सभी को मेरा अनुरोध है, आपके बच्चों को फेल हो जाए चाहे पास हो जाए, यहां पर धरती खत्म नहीं होता है। हाँ, ले दे कि एक साल हो सकता है बैकफुट पे आ जाएं, या सप्लीमेंट्री कुछ एग्जामिनेशन किसी में सिस्टम होगा तो 6 महीना के अंदर फिर से रिकवरी पे आ जाएं, लेकिन आप प्लीज बच्चों को अपने अंदर का पॉलिटिक्स, कूटनीति, राजनीति, लेग पुलिंग, अपने अहंकार, कौन क्या बोला क्या नहीं बोला, बच्चों को प्लीज मत बोलो यार। बच्चों को टेंशन मत दो कि देखो उसका बेटा, देखो उसका बेटी, देखो वो इतना नंबर, तुम क्यों नहीं। 5 उंगली बराबर है क्या? और आप मेरे से इतना दिन जड़ित होकर ये नहीं समझ पाते हो, कई बार शिक्षा और आज के एजुकेशन और आने वाला समय में कितना भी पढ़ ले बनेगा तो नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया, कितना भी पढ़ ले सरकार के पास तो है नहीं नौकरी, बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी, गद्दारी तो बढ़ते जा रहे हैं, फिर क्यों? मैं जानता हूं ये शब्द आपके लिए थोतले हैं, कोई मतलब का नहीं है, आपको तो आपका स्वार्थ परिपूर्ण नहीं हुआ, आपके अहंकार को ठेस पहुंचा है, आप तो चुप रहने वाले नहीं हो, आप तो छोड़ने वाले नहीं हो। और इसके ऊपर लंबा लंबा वीडियो 25-26 का कल कुछ पेरेंट्स आए थे, बात हुआ भी, बुरा नहीं है सर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, या मैं प्रेडिक्शन दे दूं कि शिक्षा का मूल्य कुछ नहीं है, पैसा का मूल्य कुछ नहीं है, इसमें आपके हृदय का पीड़ा, कष्ट, वेदना दूर तो नहीं होगा, आपका बेटा गलत किया आपको दर्द तो दे रहा है, मानता हूं, लेकिन प्लीज एक नंबर, जो बच्चे धनु राशि के हैं, भाई पंचम में राहु मंगल क्षेत्री होके साल भर से चल रहा है, गुरु चांडाल लगा है यार, मीन और धनु के साथ 7.5 मकर कुंभ मीन, मैं खुद कह रहा हूं मेरे 7.5 के समय में मैं रोता था जब वेन आई वॉज इन मैट्रिक एंड प्लस टू, किसी के सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग 7.5 में भी 6 फुट ठोक लेते हैं, सबका ग्रह गोचर समान नहीं है, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, केवल आगाह कर रहा हूं, और सबके साथ ऐसा होगा मैं नहीं कह रहा हूं। कुंडली, पंचांग, ग्रह स्थिति, आकाश और वर्तमान, स्पेशली देखो मंगलू, मैं इसके ऊपर 3-4 बार ऑलरेडी अलग विषय में प्रेडिक्ट किया कि आत्महत्या का प्रवणता बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा है देखो ना, क्या कंडीशन बना है, मीन का पंचम में मंगल नीच, कुंभ का सप्तम में मंगल नीच, मकरू का सप्तम में मंगल नीच, धनु का अष्टम में मंगल नीच, मंगल का हालत देख लो, और सीधा दृष्टि शनि के ऊपर, और जब जब शनि मंगल इकट्ठा होते हैं या दृष्टि आ जाता है, और इस प्रकार के कहीं षडाष्टक
कहीं सम सप्तक, कहीं शनि से मंगल षडाष्टक, परिस्थिति ठीक नहीं है महाराज। मैं इस वीडियो में मात्र आप सभी साढ़े साथी बच्चों को और साढ़े साथी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, और मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मेरे बड़ी तारीफ करते हैं, आप सबको अनुरोध करता हूं, रुक जाओ यार, अब मत बोलो बच्चों को, बहुत बोल दिए। और सुनो, पांच उंगली बराबर नहीं है। हो सकता है किसी में बहुत ज्ञान है, बुद्धि कम है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज्ञान जानता है, बहुत पढ़ाई जानता है, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, बुद्धि डैमेज होके पड़ा हुआ है, सर ठोक लोगे तो भी रिजल्ट नहीं कर सकता। तो ये पहले डिटेक्ट कर लो ना यार, कुंडली से देख लो कि बच्चों का करियर का, एजुकेशन का, पंचम का क्या स्थिति है। सब तो मैं तो बता बता के पार कर चुका हूं। बृहस्पति कहीं 6, 8, 12 में नहीं बैठा, बुध कहीं इस प्रकार के कम्बस्ट या इस प्रकार मतलब अस्तगत या पाप ग्रह युते संयुते, जड़ बुद्धि, बुद्धिहीन, 0-0 बुद्ध का डिग्री, निचस्त अवस्था में बुद्ध कुंडली में बैठा। ऐसे बच्चों को आप कितना पीट लो, मार लो, ट्यूशन पढ़ा लो, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में ले लो, ऑनलाइन क्लास करा लो, क्या होने वाला है यार? उनका ट्रीटमेंट कराओ ना यार, एक बार कुंडली से चेक तो कर लो। आप सब तो जानते हो, आप जैसे लोग जो कुंडली के जानकार हैं, एस्ट्रोलॉजी का विश्वासी हैं, सब्सक्राइबर हैं, सोचो 30-40-50 लाख व्यू आता है और उसमें मात्र 7K, 7.1K का सब्सक्राइबर। सभी को बार बार धन्यवाद और नमन देता हूं कि इस विश्वास के साथ आप हमें सब्सक्राइब किए हो। तो आप जानकार हो यार, बच्चों के साथ मत भिड़ो, छोड़ दो, बच्चे हैं। एक एग्जामिनेशन फेल हो गया तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाता। हाँ, आप बोल सकते अगला एग्जाम पास हो जाएगा क्या गारंटी है, अगला बार अच्छा कर देगा क्या गारंटी है? भाई बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मैं बताया हूं, अगर शुक्र का महादशा टॉप में चल रहा है या फिर साढ़े साथी लगा हुआ है, चंद्र शुक्र का युति बना रहा है, चंद्रमा महादशा में शुक्र का, ऐसे कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं, वो टाइम पीरियड बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिंदगी में आगे अच्छे रिजल्ट नहीं करेंगे, कर लेंगे यार। लेकिन आप जब सबका टेंशन ला के बच्चा को देते हो और बच्चा रूम बंद करके क्या करता है आपको नहीं पता। ये तो पहले अगर चेक करवा लेते कि बच्चा रूम बंद करके पढ़ रहा है या 3x देख रहा है या baba.com देख रहा है, तो आज तो ये अवस्था नहीं होती। आपको तो बाहर से लगता है मेरा बच्चा पढ़ रहा है और लिख लेके पिला दू, ड्यूटी आपका फतेह सिंह यादव। लेकिन वो बच्चा अंदर में जाके कर क्या रहा है, क्या मानसिकता है? अपने बच्चे के बारे में कितना जानते हो यार? देखो ना, क्या राशि है, क्या लग्न है, क्या ग्रह स्थिति है, क्या करना चाहिए, क्या इसको बुद्ध को ठीक करने के लिए कोई मार्ग है? और आप देख लो मेरा पीछे जाके जो कम्युनिटी में कई बार दिया हूं बच्चों के लिए मैं आप लोगों का नील सर, अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, किसी कारण बसात नहीं कर पा रहा है, कोई भी कारण बसात, प्लीज नील सरस्वती साधना पे लाइए ना, गणपति साधना में लाइए ना, सिद्ध गणपति साधना में लाइए ना, फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होते। ना मेरे पास भेजिए मत, नहीं कह रहा हूं, मेरे पास अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अभी बच्चों के ऊपर मैं नहीं कर सकता और धूप भी बहुत है, अभी तो ऑलरेडी चल रहा है प्रोग्राम। और ये छोटे छोटे बात है ना, आप भी कुंडली देख के जान सकते हो, और ये आपके आसपास छोटे मोटे जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी पंडित ब्राह्मण को दिखा दोगे तो बता देगा, सरल है, बहुत सरल है बच्चों के लिए, कोई इसमें बहुत ज्यादा खर्चा करके मेरे ही पीछे आप मत पड़ो, ऐसे ही मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, इतना है कि देखना मुश्किल है, और मैं थोड़ा सा विस्तार से करता हूं तो मुझे सेटिस्फाई नहीं लगता है, क्या करूं? सोचो एक एक घंटा वीडियो नहीं बनाने से खाना हजम नहीं होता है, आदत बुरा है मेरा, और मेरे पास कोई कुंडली दिखाए तो हर एक प्रश्न का जब तक जवाब नहीं मिले तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं। ये अलग बात है कोई एक दो प्रश्न कर ले, प्रश्न कुंडली कर ले या चैटिंग जो एस्ट्रोलॉजी करा ले, वो अलग बात है, लेकिन जिनका भी मैं ऑनलाइन देखता हूं पूरे विस्तार के साथ देखता हूं, तो मेरे पास उतना नहीं होगा आप लोगों के लिए साथ करने के लिए, और नेचुरली मेरा रेट बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा है भी, तो किसी को भी सिंपल रेट खर्चा करके दिखा लो ना, भाई क्या करें इस बुद्ध के लिए, ऐसा कंडीशन पे बुद्ध है तो क्या दें। कई बार बोला हूं कि इस कंडीशन पे आप बुद्ध धारक का उपयोग करो,
बच्चों के लिए ब्राह्मी का इसका मतलब नहीं कि किसी कंपनी का टेबलेट निकला दिया, नो, कोई काम का नहीं है, बेकार, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, थालकुड़ी है, ये बच्चों का प्रचंड बुद्धि को बढ़ाने वाला, मेंटल कंसंट्रेशन एंड फोकस को बढ़ाने वाला है, तो बच्चों को दीजिए ना। अभी दिए ब्रेन का फूड, पेट का फूड देते हो, हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय रखो, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, कभी ये तो लाके नहीं दिए। बिल वो बिल, उसका भी वीडियो बना दिया, अमृत भंडा, ये भू फल में आना चाहिए, बच्चे अच्छे रिजल्ट करेंगे, करा के देखो, छह महीना करा के देखो, बच्चों का मेंटल कंसंट्रेशन एंड फोकस नहीं बढ़ता है। तो बच्चों के साथ ब्रेन डेवलपमेंट फूड, माइंड कंसंट्रेशन फूड, ये ना कि आप बोलोगे सप्लीमेंट देंगे, यू अमुक कंपनी से खरीदेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, पाउडर ला के टोक टोक के पिलाएंगे और बच्चे टुल्लू करेंगे। तीसरा, ये पत्थर उत्थर भी बच्चों को नहीं पहना देना यार, चलेगा, कोई जड़ी बूटी जिसका कोई साइड इफेक्ट किसी भी कंडीशन पे नहीं होता वो चलेगा, लेकिन पत्थर उत्थर है भी बहुत सारे बच्चे अभी एकदम प्लस टू मैट्रिक वाले बाप ला के लाल वाला पत्थर घुसेड़ दिया, नीलम घुसेड़ दिया, वो गोमेद घुसेड़ गया, ऐसा मत करो बच्चों, ठीक नहीं है। अपडाउन है आपके जिंदगी में, अपडाउन है इन बच्चों का भी जिंदगी में, अपडाउन है, इतना करा सकते हो कि साधना ट्रैक में डालो। और दूसरा एक बात और, अभी इस समय पता नहीं सारे केसेस थोड़ा बढ़ गए हैं, कुछ बच्चे अपना हाथ जगन्नाथ, मुंबई का लड्डू, कटकपुरी, अपने ब्रह्म शक्ति को क्षीण करके गलत कार्य अपने शरीर के साथ करके, कुछ बच्चे बड़े बड़े हॉस्पिटल में मरणासन्न अवस्था में हैं, कुछ खुल के बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ कुंडली देने से पता चलता है। मेरा अनुरोध है यार, अगर ऐसे मां बाप अगर जान नहीं पाए कि मेरा बच्चा का क्या एटीट्यूड बन रहा है तो थोड़ा सा समस्यापूर्ण है। कुंडली से पता चल जाता है कि अगर ऐसे ऐसे इच्छी बता दे रहा हूं, जो जो दशा बताया उस कंडीशन में होने से बच्चा का फोकस पढ़ाई में नहीं जाएगा, कामना वासना में जाएगा, और साथ में इंटरनेट टीवी और बाकी मीडिया तो साथ दे ही रहा है, ऑनलाइन पे चैटिंग वोटिंग करके अपना मन को उधर लगा ही देते हैं, और जिसका परिणाम बच्चे हस्तमैथुनादि काम और उग्र वीर्य है तो पेंट गीला हो जाना इत्यादि समस्या रहता है। वहां फोकस करें कि बच्चा का शक्ति का संरक्षण कैसे हो सके। ये आजकल मैं देख रहा हूं, मेरे पास जो कुंडली आ रहा है बच्चों का, उसमें लड़का का केस, लड़की का केस, दोनों का बराबर, किसी एक को नहीं कह रहा हूं। तो उस कंडीशन पे कैसे इनको बाहर निकालें, उसके लिए प्रयास जरूर करें। मार्ग है, मार्ग नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं। इवन कुंडली में बृहस्पति डैमेज हो जाए, बुध डैमेज हो जाए, शिक्षा का कारक पंचम पंचमाधिपति डैमेज हो जाए, फिर भी मार्ग है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरे बच्चों जैसे आपके बच्चे साधारण एकदम क्लिक कर जाएंगे उनके साथ, हो सकता है उनसे ज्यादा जाएं और हो सकता है उनसे नीचे आएं। यार महामूर्ख कालिदास अगर महापंडित हो सकता है, भाग्यहीन कर्म अगर भाग्यवान हो सकता है महाकाली के पीछे, नील सरस्वती के पीछे, हमारे ओडिशा में राजा भंज राजा मां बागदेवी का पूजा करके महाकवि महान रचयिता बनते हैं, तो आपके बच्चे क्यों नहीं करेंगे यार। लेकिन आप जो पढ़ाई और सिलेबस और एजुकेशन और इतना इतना किताब का बोझ तले दबाते हो ना, अच्छा नहीं करते हो, सही बात नहीं है। आप जैसे समझदार बुद्धिमान मेरे साथ जड़ित होके ऐसे करोगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा। आपके बच्चे आगामी समय का भविष्य है, और मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल हम लोगों के व्यक्तित्व विकास शिविर, बाल विकास शिविर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, यूथ डेवलपमेंट कैंप में जरूर आएंगे, मुझे पता है 100 में से 10% भी तो आएंगे जरूर। जब हमारा शिविर आप लोगों को यहां कुछ कुछ झलक में छोड़ूंगा तो आप जरूर चाहोगे कि आपके बच्चे भी अच्छा करें, उनके अंदर भी नेतृत्व विकास हो, लीडरशिप डेवलपमेंट हो, ACADC एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डेवलपमेंट कैंप भी होते हैं तो उसमें भी आप लोग भेजोगे, छोटे छोटे कोर्स सिलेबस में भी आप लोग भेजोगे तो उसमें से वो लोग ठीक हो जाएंगे। अभी भेजो नहीं कह रहा हूं, अभी नहीं चल रहा, जब होगा तो मैं छोड़ते आपको मैं पोस्ट दे ही देता हूं। अभी अलग शिविर ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो अभी मंत्र और चैंटिंग का शिविर, अभी सिद्धि साधना का था, आज समापन हो रहा है,
अगला महीना मंत्र चैंटिंग का साधना है, शिविर है, मंत्र शक्ति सिद्ध मंत्र साधना शिविर है। प्लीज बच्चों को आपका पॉलिटिक्स से दूर रखो। धन्यवाद। नमस्कार।